अश्विन न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम दलित प्रेरणा केंद्र पर, अभी दलित प्रेरणा केंद्र की हम अभी बात करते हैं। जब उत्तर प्रदेश के अंदर बहन कुमारी मायावती का शासन था, उस शासन काल के अंदर ये दलित प्रेरणा केंद्र को बनवाया गया था। बड़ी विडम्बना वाली बात होती है कि जो इस तरीके के जो हमारे भवन हैं या इस तरीके के पार्क हैं या इस तरीके की जो महापुरुषों के बनाए हुए जो इस तरीके के पार्क है, उनका रख रखाव का काम किसका होता है? उसका काम रख रखाव का सरकार का होता है, संबंधित डिपार्टमेंट का होता है, संबंधित डिपार्टमेंट और मिनिस्टर का होता है। मैं अभी जो दिखाने जा रहा हूँ, ये ऊपर मैं दिखाने जा रहा हूँ, अगर आज के दिन अगर मानवर कांसी राम साहब के अलावा और किसी का जन्मदिन मनाया होता तो यहाँ पर जो यहाँ की सरकार है वहाँ सारी व्यवस्था करती। और ये जो मैं दिखा रहा हूँ कि जगह जगह से यहाँ पर जो ये जाले लगे हुए हैं और जगह जगह से जो वाइट वाश है वो टूट चुका है। और मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ये जो आप देख रहे हैं कि यहाँ जो पोछा वगैरह जो लगाया जाता है, ये आप देख रहे हैं ये गंदगी को। मैं आज के दिन का ये हाल है, जो कि आज एक ऐसे महापुरुष का जन्मदिन है जिन्होंने राजनीति के अंदर बढ़ चढ़ कर भाग लिया और जो भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर के अंदर जो एक अपना अस्तित्व जमाया था और उन्होंने पूरे भारत के अंदर राजनीति की गई थी। अब मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ और ये देखिएगा कि जगह जगह इस तरीके के जो ये पूरा इतना बड़ा खंभा है वो कितना गंदा है। और मैं दिखाना चाह रहा हूँ, आप ये देखिएगा, ये देखिएगा ये किस तरीके से यहाँ पर ये काला वाला हुआ पड़ा है। और यहाँ पर इस तरीके की गंदगी का अगर इसको हाथ लगाया जाए तो पता लगेगा कि अपने भी कपड़े गंदे होंगे। और मैं दूसरा ये दिखाना चाहता हूँ, ये देखिएगा, ये जो यहाँ से पैदल रास्ता है ये बहुत सुंदर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ जानवर बैठ के आके अपना टॉयलेट वॉयलेट करते हैं। और इस तरीके का जो ये आप पूरे इसमें भवन के अंदर जो जाल वाल लगे पड़े हैं। और ये मैं आइए और जानकारी लेता हूँ, हमारे बीच में एडवोकेट आरआर बागी जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस करी और इन्होंने मानवर कांसी राम साहब के साथ में काम किया है, आइए हम जानकारी लें। एडवोकेट साहब, आरआर बाग साहब, आज मानवर कांसी राम साहब का जन्मदिन है और आज इस जो दलित प्रेरणा केंद्र है इसके आप हालात देख रहे हैं कि किस तरीके से गंभीर हालत है इसके? देखिए, ये बहुत बड़ी दुख की बात है। पहले तो देश और दुनिया के लोगों को मानवर कांसी राम साहब का जन्मदिन का हार्दिक शुभकामनाएं। ये प्रेरणा स्थल जो राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल है ये, और यहाँ के सारे कर्मचारियों को पूर्ण रूप से वो परमानेंट है, उनको पैसा मिलता है साफ सफाई करने के लिए, आप देखेंगे। मगर जैसे कि उन्होंने देखा कि जो पक्षी हैं वहाँ पे टट्टी किए हैं, उसको साफ नहीं हो रहा है। ये कोने पे देखिए, इसमें कैसे साफ नहीं हो रहा है। अभी कितने मूर्ति हैं अंदर है जो मान्यवर कांसी राम साहब का, बहन जी का, बाबा साहब का लगाया गया है, वो भी वहाँ पे आज साफ नहीं हुए हैं। तो आप देख सकते हो ऊपर, देखिए सब ये हो रहा है। जो पैसा इतना आ रहा है गवर्नमेंट ऑफ यूपी गवर्नमेंट और ये सोचना चाहिए मान्यवर कांसी राम साहब का, पूरे भाग कितने करोड़ों लोगों का वो उनको सम्मान करते हैं, उनको मानते हैं, उनको चाहने वालों यहाँ पे आते हैं। ठीक है, आप कह सकते हो कि ये कितना बड़ा जगह है और जहाँ पे परमानेंट इनको पैसा मिल रहा है फिर भी वो साफ नहीं कर रहे हैं। और इतने यहाँ पे आइए, मैं दिखाऊंगा यहाँ पर कौन से लोग टट्टी के वो साफ नहीं हुआ है, अंदर साफ नहीं हुआ है। तो जिनको पैसा भी मिल रहा है फिर भी ये लोग इस चीज़ को ध्यान नहीं दे रहे हैं। अंदर का मूर्ति वगैरह आप देखें जो लगा हुआ है, स्टैचू वगैरह, वहाँ पे वो साफ नहीं है। ये देखिए आपके सामने जो पक्षी लोग हैं टट्टी के हैं, यानी कितने दिन से जम गया है, कितना ज़बरदस्त गंदा लग रहा है ये। तो ये जो भावनाओं के साथ जो हम लोगों का सम्मान के प्रतीक मान्यवर कांसीराम साहब का राष्ट्रीय स्थल है, उसी को नज़रअंदाज करने की आप देख सकते हैं किस तरह से इनका मानसिकता। देखिए कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है, ये देखिए ये टूट चुकी है। ठीक है, ये किसकी जिम्मेदारी है? आप देखिए ये ऑलरेडी टूट कभी भी ख़त्म हो जाएगा, ये देखिए। ठीक है, तो इसका रख रखाव के लिए भी बहुत दिक्कत हो रहा है और इनका गिरी हुई मानसिकता को दिखा रहा है कि शासन प्रशासन इसके ऊपर सचेत नहीं है, सचेत नहीं है। हम शासन प्रशासन को यही मांग करते हैं कि इसको रख रखाव को लेकर चिंतित रहे और नियमित रूप से यहाँ से साफ सफाई होना चाहिए। ठीक है, ये करोड़ों लोगों का भावनाओं का प्रतीक है, लेकिन आज साफ भी नहीं हुआ है। एटलीस्ट प्रशासन की तरफ से यहाँ पे आकर उनका माला चढ़ाना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन माला भी नहीं चढ़ेगी, न साफ सुथरी हुई है, कई दिनों से यहाँ पे साफ सुथरी नहीं हुई। ये देखिए आपके पीछे, ये देखिए ये क्या है, ये देखिए यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरह से लापरवाही है, ये घिनौना मानसिकता को दर्शाता है। ठीक है, ये नोएडा विकास प्राधिकरण है, जिला गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश का,
ठीक है, ये इस चीज़ के ऊपर इन लोग ध्यान रखना चाहिए और ये बहुजन समाज के उनका भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश किया जा रहा है। आप देखिए मूर्ति कितने दिन से यहाँ पे साफ सफाई हुई नहीं है, यहाँ पे आपको हम अंदर का भी दिखाएंगे। मनोज ये निकाल दो, ये बोलते रहे निकाल दो, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये मान्यवर काशीराम साहब और बहन मायावती जी और बाबा साहब अम्बेडकर मूर्ति देखिए ये साफ सुथरी आज के दिन में होना चाहिए कि पहले दिन से, जिनको परमानेंट नौकरी पे जो लोग हैं जिनको पैसा मिलता है साफ सफाई करने के लिए रखने के लिए, मगर दुख की बात है ये चिंताजनक भी है जो प्रशासन को ध्यान में रखना चाहिए मगर नहीं किया जा रहा, जो कि ये सबसे बड़े दुख की बात है, सोचने वाली बात होता है कि भाई आप बहुत सारे गधों की मूर्ति लगी हुई है उनका साफ सफाई होता है उनका, आप बड़े बड़े मूर्ति लगे हुए आप देखोगे कितना बढ़िया तरीके से उसका रखरखाव किया जाता है, मगर आज बहुजन समाज से जुड़े हुए करोड़ों लोगों का चार भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जिनको सरकार से पैसा मिल रहा है वो लोग भी यहाँ पर आकर साफ सफाई नहीं करते, तो ये जो उच्च अधिकारी हैं यहाँ पर रेस्पॉन्सिबिलिटी जिनकी है वो लोग इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए। ये देखिए आज यहाँ पर साफ सफाई हो ही नहीं है कहीं पर भी नहीं है। ये लोग चाहते नहीं कि हजार सालों के बाद भी अगर ये बहुजन प्रणाम स्थल ऐसे रहेगा तो करोड़ों लोगों का यहाँ पे आप कहते हो यहाँ से ऊर्जा मिलता है उनको इंस्पायरेशन मिलती है। ये देखिए पक्षी के वहाँ पे यह साफ सुथरे नहीं है टट्टी किए हैं लेकिन आपको दिखने को मिलेगा कि ये साफ एक बार भी नहीं है, कितने सालों से ये कितने दिनों से ऐसे ही पड़ी हुई है। ये देखिए साफ सुथरे नहीं है कहीं पर भी साफ सुथरे नहीं है, चारों तरफ मैला है। इसको मैं अभी दिखाना चाह रहा हूँ, ये देखिए कि ये जो आज मान्यवर कांशीराम साहब का जन्मदिन है और इसको आप देख रहे हैं कि इस तरीके की जो डस्ट लगी हुई है और ना इसकी सफाई हुई है कि क्या मानसिक स्थिति हो सकती है इनकी कि एक ऐसे महामानव का जन्मदिन है उस जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो जहाँ इनकी स्टेचू लगी हुई है वहाँ सफाई नहीं हुई है, प्रशासन आँख मूंद कर यहाँ सो रहा है और प्रशासन क्या दिखाना चाहता है, क्या इसकी मन के अंदर ऐसी बातें हैं। ये साफ नहीं हो रहा है यहाँ पे, ये देखो किस तरह से पक्षी वगैरह वहाँ पे यहाँ टट्टी करके चले गए, इसमें साफ कितने साल से ऐसे ही पड़ा हुआ है। ये वही जगह है आप देख सकते हैं जो साइकिल का रैली 50,000 किलोमीटर मान लो साइकिल चलाए थे, 52 साल की उम्र में वो 5,000 किलोमीटर का निर्माण साइकिल चलाई थी क्योंकि उस टाइम पे बहुजन समाज के पास उतना संसाधन नहीं था ना संसाधन था उस टाइम पे, यानी बिना ईंधन का साइकिल चला के हजारों लोगों के साथ पूरे भारतवर्ष का बहुजन महापुरुषों को एक बहुजन समाज में एक जन जागृति पैदा किया था मान्यवर कांशीराम साहब, ये उनके उस चीज़ को रिफ्लेक्ट किया जा रहा है। ये मैसेज दे रहे हैं मान्यवर कांशीराम साहब, PSP के संस्थापक मान्यवर कांशीराम साहब। यहाँ पे देखिए जो पेन है, ये जो पेन कलम है मान्यवर कांशीराम साहब के हाथों में, मान्यवर साहब यही चीज़ दिखा रहे हैं कि जो कलम है कलम का जो ऊपर का जो भाग होता है यानी यही चीज़ है, यानी इस चीज़ को दिखा रहे हैं, ये बहुजन समाज है ये लिख पाता है मगर ये है जो 15% है आपका 15% है लेकिन ये 15% ये 85% के ऊपर राज कर रहे हैं और जब तक ये इसका जो टॉप है ये क्लिप लगा हुआ होता है ये इस कलम को चलने नहीं देता है, ठीक है। यही मैसेज मान्यवर कांशीराम साहब दे रहे हैं। मान्यवर कांशीराम साहब जो आज जन्मदिन मनाया जा रहा है मान्यवर कांशीराम साहब को सभी लोग भारत के लोग उत्तर प्रदेश के लोग दिल्ली के लोग कि मान्यवर कांशीराम तेरी नेक कमाई सोती कोम जगाई का वाला जो नारा लगाया था आज वही समय आ गया है कि जो लोगों को जागना पड़ेगा और मान्यवर कांशीराम तेरी नेक कमाई तूने सोती कोम जगाई, आज सब कुछ होने के बावजूद भी आज यहाँ की जो परंपरा है जो आज इसके रखाव को देखा जा रहा है तो ऐसा लग रहा है कि ये जो सोच है ये क्या सोच है, क्या मनुवादी सोच है कि जो आपको पैसा पूरा फंडिंग दिया जा रहा है उसके बावजूद यहाँ आज ऐसे महामानव का जन्मदिन मनाया जा रहा है और पूरे भारत से लोग यहाँ इकट्ठे होकर आ रहे हैं लेकिन किसी भी प्रकार की सफाई व्यवस्था नहीं है। ये दिन किसकी होनी चाहिए, जो सरकार की होनी चाहिए। कैमरामैन गौतम के साथ मनोज पिप्पल।